पूर्वी चंपारण के सुगोली प्रखंड के उत्तरी छपरा बहास के भवानीपुर में सिकरहना नदी में फिर से दूसरी बार कटाव शुरू किया गया है। कटाव इतना तेजी से नदी कर रही है कि लगातार घरों को अपने आगोश में ले रही है, जिससे स्थानीय ग्रामीण दहशत में हैं। आज चार घर सिकरहना नदी में समा गए हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है। बीते बाढ़ एवं बारिश के दौरान दर्जनों घरों को नदी ने अपने आगोश में ले लिया था। कई दिनों तक रुक रुक कर कटाव जारी था। इस बार भी बाढ़ की दूसरी लहर में फिर से सिकरहना नदी कटाव जारी कर रही है। वहीं कई घरों का आधा हिस्सा नदी ने काट लिया है। नदी के कटाव से ये दूसरी लहर में दर्जनों घर पुनः जल समाधि लिए हुए हैं। पेट की भूख को शांत करने के लिए निकले दो बच्चे बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। पानी में डूबने से दोनों की मौत हो गई है, जबकि एक बच्चे को सुरक्षित ग्रामीणों ने निकाला है। दरअसल सुगोली प्रखंड के तकरीबन सभी गाँव बाढ़ से घिरे हैं। ग्रामीण उच्च स्थान पर शरण लिए हुए हैं। तीन दिनों से भूखे बच्चे घर खाना खाने जा रहे थे कि बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। बच्चों के शव को ग्रामीणों ने बाहर निकाला है। सुविधा और राहत नहीं मिलने से परेशान ग्रामीण बच्चों की मौत से आक्रोशित होकर राष्ट्रीय उच्च पथ 28A को जाम किया है। घटना सुगोली के चिलजपट्टी गाँव की है। ग्रामीणों के NH को जाम करने के सैकड़ों गाड़ियां खड़ी हो गई हैं। सूचना पर सुगोली थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों के आक्रोश को शांत कराने में जुटी है। पूर्वी चंपारण के केसरिया प्रखंड का एक ऐसा विद्यालय जो खिजिरपुरा बेनीपुर पंचायत में खिजिरपुरा गांव में स्थित SH-74 मार्ग से सटे स्थापित है, जहां विद्यालय में घोर अनियमितता सामने आई है। जहां कई महीनों से विद्यालय में ना तो शिक्षक सही से उपस्थित रहे हैं। विद्यालय में कोरोना महामारी के समय सरकार द्वारा किए गए सभी छात्र छात्राओं के बीच राशन वितरण करने के लिए जिसमें काफी घोटाला उजागर हुआ है, वहीं छात्र छात्राओं के छात्रवृत्ति राशि के गबन का भी आरोप ग्रामीणों ने लगाया है, जिसको लेकर विद्यालय परिसर में छात्रों के द्वारा प्रधानाध्यापक सोमेश्वर शाह के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की गई और विद्यालय में हंगामा किया गया। वहीं समय से राशन वितरण नहीं करने को लेकर स्टोर रूम में रखे खाद्य पदार्थों में काफी बदबू आ गई थी। विद्यालय परिसर में चार दीवारी का भी अभाव है। वहीं उपस्थित छात्र व अभिभावकों ने बताया कि शिक्षक की मनमानी से हम लोग काफी परेशान हो गए हैं। भारी बारिश एवं नेपाली नदी से आई प्रलयकारी जल को सिकरहना नदी नहीं सह रही है। फिर भी जिले के सुगोली एवं बंजरिया समेत कई प्रखंड में भीषण बाढ़ का प्रकोप है। पूर्वी चंपारण के बंजरिया प्रखंड में करीब 20 दिनों से बाढ़ का पानी प्रखंड क्षेत्र के कई इलाकों में जलमग्न है। बंजरिया प्रखंड के 9 पंचायत में आज 20वां दिन बाढ़ की पानी का सैलाब जैसा है। प्रखंड कार्यालय समेत BSFC एवं अंचल कार्यालय PHC अस्पताल प्रत्येक साल की तरह बाढ़ से घिरा पड़ा है। जिले के बंजरिया प्रखंड होकर गुजरने वाली नदियां सिकरहना, तिलावे, बंगरी, दुधोरा, पशाह, मरधर समेत सरिसवा नदी के जलस्तर प्रखंड क्षेत्र के अधिकांश भाग जलमग्न है। वहीं आम लोग अपने दो वक्त की रोटी के लिए नाव से रसोई गैस ले आकर फिर माथे पर मोतिहारी गैस एजेंसी लाकर लाना दिनचर्या बन चुका है। आपको बता दें, पूर्वी चंपारण के बंजरिया प्रखंड क्षेत्र के सिकरहना नदी में तिलावे, बंगरी, दुधोरा, पशाह, मरधर समेत सरिसवा नदी समाहित होती है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र धरहरा प्रखंड के बंगलवा पंचायत के कोठवाग गांव में पूजा का प्रसाद खाने से 100 लोग बीमार हो गए हैं। इसमें एक दर्जन से अधिक ग्रामीणों की हालत गंभीर हो गई है। देर रात तक सभी को धरहरा PSC में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों की निगरानी में इलाज चल रहा है। मुंगेर जिले के धरहरा प्रखंड के बंगलवा पंचायत के कोठवा गांव में सोमवार की देर शाम सत्यनारायण भगवान की पूजा का प्रसाद खाने से 100 से अधिक लोग बीमार पड़ गए। सभी को प्रसाद खाने के थोड़ी देर बाद ही उल्टी होने लगी, पेट में दर्द की शिकायत तथा सर चकराने की शिकायत शुरू हुई। देर रात होते होते यह संख्या 100 तक पहुंच गई। इस संबंध में प्रसाद खाकर बीमार पड़े पप्पू कोड़ा ने बताया कि कोटवा निवासी महेश कोड़ा के घर सत्यनारायण की पूजा हुई थी। वहीं घर के अन्य सदस्यों के साथ बच्चे, वृद्ध, जवान, महिला, पुरुष एवं ग्रामीणों ने प्रसाद का सेवन किया, जिसके कारण पेट दर्द, उल्टी, पैखाना एवं सर चकराने की शिकायत अधिकतर ग्रामीणों में पाई गई है। उन्होंने कहा कि सभी लोगों का इलाज चल रहा है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.